मोदी जी ये जो स्टंट खेल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मणिपुर की जो महिला है माफ कर देंगी। तो मोदी जी मतलब अपने आप अंदर खुशी के ये ढूमत फुलाइए, आपको मणिपुर की महिलाएं नहीं माफ करने वाली। मैं कहती हूँ कि जाते जाते आपका झोला भी चेक होगा, जिसमें रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइन, सड़के, लाल किला सब गिरवी रख चुका है, ये सब भी चेक होगा। सोनिया गांधी जी की वजह से आज 33% हमारे को हकदार हम हुए हैं कि अभी सदन में हम जाएंगे, 33% हमको भी हक मिलेगा, हमारी भी सीटें बढ़ेंगी। जब राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में भी 33% बढ़ावा दिया था महिलाओं को, किसने दिया था? राजीव जी ने, वो भी कांग्रेस के ही नहीं। नारा तो मेरे हिसाब से इनको बदल देना चाहिए, मोदी है तो मुश्किल है कर देना चाहिए, क्योंकि मोदी जब तक रहेंगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। 2023 और 2023 में 13 साल के अंतर के बाद उन्हें अब समझ आया कि जो कांग्रेस उस टाइम पे कर रही थी वो आज कितना महत्वपूर्ण है। तो मतलब कांग्रेस अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से 10 कदम हमेशा आगे रहती है और 10 कदम ज्यादा समझदार है। आज आप देख लीजिए, हमेशा कांग्रेस महिलाओं का सपोर्ट करती है, चाहे वो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हमेशा पंचायती राज। जब राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में भी 33% बढ़ावा दिया था महिलाओं को, किसने दिया था? राजीव जी ने, वो भी कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस ही है जो महिलाओं को देखती है, सम्मान करती है, वरना और कौन सी पार्टी है? जहाँ मणिपुर में ऐसा होता है और मोदी जी कहीं दूसरे देश में होते हैं या गृह मंत्री के होते हुए मणिपुर में ऐसी स्थिति है तो ये शर्म की बात है। कांग्रेस के राज्य में शायद हमने आज तक नहीं देखा कि कांग्रेस के राज्य में ऐसा हुआ। आपने हाथ में पोस्टर भी ले रखा है, ये जो खुशियों की आंधी है वजह सोनिया गांधी है। देखिए, सोनिया गांधी जी की वजह से आज 33% हमारे को हकदार हम हुए हैं कि अभी सदन में हम जाएंगे, 33% हमको भी हक मिलेगा, हमारी भी सीटें बढ़ेंगी। तो मेरे हिसाब से सोनिया जी का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत खुशी की बात है, हम आभारी हैं उनके। लेकिन आप इसका श्रेय तो बीजेपी ले जाएगी ना, क्योंकि ला तो बीजेपी रही है, मोदी जी ला रहे हैं, वो भी चुनाव के पहले ला रहे हैं। अभी देखिए ना, 6 महीने में चुनाव होने, देखिए 4 महीने भी नहीं रहे हैं 24 को होने में, अभी 6 महीने में चुनाव आ जाएंगे। मोदी जी ये जो स्टंट खेल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मणिपुर की जो महिला है माफ कर देंगी। तो मोदी जी मतलब अपने आप अंदर खुशी के ये ढूमत फुलाइए, आपको मणिपुर की महिलाएं नहीं माफ करने वाली है। आप देखिए, जब पुलवामा अटैक हुआ था मोदी जी कहाँ पर थे? मोदी जी वाइल्ड सेंचुरी पे गए थे, एनिमल्स प्लैनेट पर आ रहे थे। और जब मणिपुर में हत्याकांड हुआ था तो मणिपुर में जो परेड निकली थी तब मोदी जी दूसरे देश में थे। अभी सैनिक जो शहीद हुए तब मोदी जी अपने आप पे फूल बरसवा रहे थे। तो मेरे हिसाब से मोदी जी जो कहते हैं मैं देश का बेटा हूँ, वो तो सबसे बड़ा ही जुमला है। कहते हैं मैं महिलाओं का भाई भी हूँ, अभी देखा नहीं मेट्रो में जा रहे थे तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई थी, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं वो, 18 घंटे उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। देखिए, वो अपनी बीवी को ही नहीं संभाल पाए तो देश की जनता का तो क्या ही करेंगे। नहीं, लेकिन अभी ये बताइए कि जो सपना जो से आपने कहा सोनिया जी ने देखा था, राजीव जी भी तो महिलाओं की भागीदारी की बात करते थे, मोदी जी बातें तो बहुत करते थे लेकिन आप करने को मजबूर हो गए, क्या लगता है मजबूरी क्या दर्शा रही है? देखिए, मजबूरी यही दर्शा रही है कि कांग्रेस भारी पड़ रही है। कांग्रेस बहुत आगे चली गई है, जहाँ एक कहते थे एक अकेला सब पे भारी है, 56 इंच का सीना था ना, अब इनके कार्यकर्ता कहते हैं 24 फुट का, ये तो 24 हाथों का एक इंसान है। 24 हाथों का इंसान तो रावण राज्य में होता था, हमारे यहाँ तो 6 फुट के लोग होते थे राम राज्य पर। हाँ, अगर देखा जाए राजीव जी ने बहुत किया और इंडिया साफ साफ देखा जा रहा है, इंडिया जो अलायंस है वो भारी पड़ रही है। आज बहुत NDA जो कह रहे ना, इतना गठबंधन कर लिया, एक अकेला सब पे भारी हुआ करता था, इंडिया भारी पड़ रही है, यही मजबूरी है। गांधी भी तो 40% टिकट उन्होंने यूपी में महिलाओं को दिया था। देखिए, प्रियंका जी कहती है ना मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मेरे हिसाब से दूसरी इंदिरा गांधी प्रियंका जी है। हमारे यहाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहकर उन्होंने लड़कियों में बहुत जोश भरा है और इसी कथन की वजह से आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। ये बताओ, अभी महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मोदी जी उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, मैं बोला ना, ये तो मजबूरी है कि उन्हें 33% लाना पड़ रहा है, क्योंकि 2024 में हार जाएंगे बहुत बुरी तरह से, पता है कि इंडिया को ही पूरा देश पसंद कर रहा है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। और जो कहते हैं ना, मेरे को तो आज तक उनकी कोई बात सच्ची नहीं लगी है। आप बताइए कौन सी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा है कि 56% है, 101% है कि मैं करके दूँ।
करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सी चीज की? मेरे हिसाब से तो सारे जुमले बोले हैं। नहीं, अभी इन्होंने ये बिल लिया है, ये बिल पास भी हो जाएगा क्योंकि सबको इसका समर्थन कर रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन बाद में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, बोलेंगे महिलाओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया, देखो 33% राजनीति में भागीदारी कर दी, किसने किया, तो जनता कैसे समझेगी कि ये तो सोनिया गांधी जी ला रही थी या राजीव गांधी का ये सपना था, जनता कैसे समझेगी? देखिए जनता, देखिए जनता बहुत समझदार है और जनता समझ जाएगी, जनता जानती है कि किसने क्या काम किया, कांग्रेस ने क्या काम किया और बीजेपी ने क्या काम किया। अभी तो इनकी आप देखिए सदन में कितनी है, इनकी एक मेन है स्मृति ईरानी, इन्होंने तो कह दिया ये चुनाव नहीं है, धर्म और अधर्म का लड़ाई है। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये तो चुनाव तो हम कर ही नहीं रहे, अगला जो चुनाव होगा धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये धर्म के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, विकास के पीछे लड़ाई कर ही नहीं रहे, विकास से इनको मतलब ही नहीं है। अगर आप देखते हैं 2014 में इनकी सरकार आई थी, आज विकास हमारा 9 साल का अच्छा खेलता कूदता बच्चा होता अगर 2014 में विकास नाम का बच्चा रहता, विकास दूर दूर तक दूरबीन से ही नहीं दिख रहा है, विकास बच्चा मिल ही नहीं रहा है, विकास है ही कहाँ। लेकिन अभी जो बिल ले आए हैं, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्या लगता है महिलाएं तो बीजेपी के साथ चली जाएंगी ना? बीजेपी के साथ कैसे जाएंगी बीजेपी? आप 2024 में रुकिए, आप मणिपुर पूरा याद रखिएगा कि बीजेपी को क्या काम किए थे, क्या काम कर रहे थे। बीजेपी के साथ कोई जाने को तैयार नहीं, मतलब कोई भी बिल ले आए महिला समझदार हो गई, महिला समझदार हो गई कांग्रेस के साथ हो गई। 2024 में देखते हैं कौन आता है, किसका पलड़ा जो है वो भारी होने वाला है, देखते हैं कौन आता है। देखिए 99.9% तो हमारा कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने ही नीति बनाई है, कांग्रेस का ही पूरी जो दिमाग था बुद्धि तो पूरी कांग्रेस की थी, राज्यसभा तक कांग्रेस लेके गई है। मोदी जी ने क्या कर दिया, 0.1% उनका काम ये था कि सत्ता में सरकार है आगे बढ़ाना था, और वो भी अभी ही नहीं 2017 में भेज दिया था, अब कर रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव है, पता है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है एनडीए पे भारी पड़ रही है, तो उसी वजह से मेरे हिसाब से चुनाव के लिए मजबूरी है कि कांग्रेस की नीति अपनानी पड़ रही है। महिलाएं चली जाएंगी बीजेपी के साथ, पूरा चुनाव जीत जाएंगी। देखिए जनता भी यही है जो देख रही है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, देखते हैं कौन सी महिला बीजेपी के साथ जाती है। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी महिलाएं? मणिपुर का आप सबसे बड़ा कांड देख लीजिए, जब नग्न परेड हो रही थी और मोदी जी कहाँ पर थे, तो आप सबसे बड़े गवाह तो मणिपुर है, मणिपुर की धरती क्या भूल पाएगी, मणिपुर की महिला भूल जाएंगी अपना अपमान, कैसे भूल जाएंगी, सब यही है। आगे देखते, और जो आप कह रहे हैं ना कि जो महिलाएं हैं बीजेपी के साथ जाएगी, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को जो है अब हक मिल गया है 33% का, अब कांग्रेस के साथ महिलाएं गी। और महंगाई कैसे भूल जाएंगी, महंगाई इतना सिलेंडर, सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी है, आप इनसे एक एक से पूछिए सिलेंडर कितना हो गया। स्मृति ईरानी जो पहन के निकलती थी सिलेंडर लेके निकलती थी कि हाय महंगाई हाय महंगाई, अब 1000 से ऊपर हमारा सिलेंडर हो रहा है, अब महंगाई कहाँ चली गई। अरे क्या बात कर रहे हैं, उज्ज्वल योजना चला दी, सबको सिलेंडर फ्री दे दिया, अभी और भी देने जा रहे हैं। देखिए कहाँ सिलेंडर फ्री आप एक बार ही दे देंगे, दो बार ही दे देंगे, लेकिन अगली बार थोड़ी ना देंगे महिलाओं को अपना। आप बेरोजगारी भी रख रहे हैं, आप महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, आप विकास भी नहीं कर रहे हैं, तो आप हैं ही किस लिए? आपकी कुर्सी लड़खड़ा रही है और ये कुर्सी अब आपके हकदार है ही नहीं। आप तो कहते हैं ना हम तो फकीर है, झोला उठाकर चले जाएंगे, तो आपकी फकीरी बिल्कुल पसंद आ गई, आपकी फकीरी चाहिए ही नहीं, आप चले जाइए। और जाते जाते मैं हर बार ही कहती हूँ कि जाते जाते आपका झोला भी चेक होगा, जिसमें रेल भेल तेल सेल जहाज एयरपोर्ट एयरलाइन सड़कें लाल किला सब गिरवी रख चुका है, ये सब भी चेक होगा, ये सब किसने बनाया है? रेल भेल तेल सेल इसरो ये भाखड़ा नंगल डैम किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। भाखड़ा नंगल डैम का आप उद्घाटन देखे नेहरू जी नहीं कराया था, लेकिन वो किसी महिला के हाथों द्वारा कराया था, वो बात अलग है कि वो सम्मान रखते थे। इसमें भी देख लीजिए कहीं ना कहीं सम्मान तो महिलाओं का ही आ रहा है, एक महिला के हाथों उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन कराया था, इसरो का उद्घाटन उन्होंने किया था, बहुत सारी चीजें हैं जो नेहरू जी ने ही बनवाई है। बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी संसद में बिल पास करवा रही है, ला रही है, और आप कह रही है सिरे कांग्रेस को जाता है, कैसे जाता है? अरे मैं आपको बताया तो सारी बुद्धि नीति सारी कांग्रेस की, राज्यसभा तक लेके कांग्रेस गई, लेके गए 2010 में हमारा पास हो गया था राज्यसभा से बिल, नहीं हुआ था 2010 में, मैं तो नहीं थी 2010 में, आप तो थे, आप तो अच्छे खासे जानते होंगे, मैं तो 2011 की ही बॉर्न हूँ, तो आप लोग तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे।